नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। R9 टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर, तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भ्रष्ट 22 अधिकारियों को रिटायर किया गया है। तो भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए CBIC के 22 वरिष्ठ अफसरों को रिटायर किया है। इससे पहले भी मोदी सरकार इस तरह का कड़ा फैसला जो है वो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ले चुकी है। IRS के जो अधिकारी हैं उनको भी जबरन रिटायर किया गया था। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ा फैसला लेते हुए CBIC के 22 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर किया है। फंडामेंटल रूल 56J के तहत ये फैसला लिया गया है। तो रिटायर किए गए अफसर भ्रष्टाचार जैसे मामलों में घिरे हुए थे, सुपरिटेंडेंट AO रैंक के जो अधिकारी हैं उनको जबरन रिटायर किया गया है। तो अफसरों पर पीएम मोदी का ही जो हंटर है वो चलाया गया है। तो अधिकारियों को फंडामेंटल रूल 56J के तहत रिटायर किया गया है। इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों की वजह से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया। तो प्रशासन में कुछ लोग अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे थे और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके थे जिसको लेकर यह कड़ा फैसला लिया है और 22 भ्रष्ट अधिकारियों को रिटायर किया गया है। बाकी खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।